वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ जो इंडिया में लॉन्च करने वाला है मेट्रोला वन फ्यूजन प्लस फोन। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसका नाम है मेट्रोला वन फ्यूजन प्लस। नाम इतना बड़ा है तो इसमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है और इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है इंडिया में, ये सब बात करने इस वीडियो को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं जिससे ऐसी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले इस फोन की डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की नोजल लेस डिस्प्ले मिलती है, बेसिकली नॉच लेस डिस्प्ले आपको मिलती है और इसमें आपको फुल एचडी प्लस 6.5 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम की तरफ से आपको स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर दिया हुआ है, तो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर मिलने वाला है। तो गेमिंग में आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें जो प्रोसेसर है थोड़ा और भी बढ़िया दिया जा सकता था। इसकी जो प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा। इसमें आप कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा आपको क्वाड सेटअप का कैमरा मिलता है, तो इसका जो मेन कैमरा है वो 16.4 मेगापिक्सल का है, फिर इसका सेकेंडरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के इसके माइक्रो लेंस कैमरास दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, लेफ्ट एज में आपको पॉपअप का सेल्फी कैमरा मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप जब भी सेल्फी लेंगे तो मैकेनिकल पार्ट बेसिकली पॉपअप करेगा जिससे आप अपनी सेल्फीज़ को ले सकते हैं। रैम की बात करें तो इसमें 6 GB की रैम आपको मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो 128 GB की स्टोरेज इसमें इनबिल्ट मिलती है। माइक्रो SD कार्ड का हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है, तो आप 1 TB तक इसकी जो है स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ड्यूअल वोल्टी का सपोर्ट मिलता है, आप जो ड्यूअल सिम है नैनो सिम वो लगा सकते हैं, तो हाइब्रिड स्लॉट है तो आप वहाँ पे SD कार्ड या सिम लगा सकते हैं। इसमें 3.5 mm का जैक दिया हुआ है, USB का टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, 15 W का आपको चार्जर दिया हुआ है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें काफ़ी बड़ी बैटरी दी हुई है, 5000 mAh की आपको बैटरी इस फोन में मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो स्टैंड बाय भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। तो ये कुछ फीचर हैं इस फोन में, ये कुछ स्पेक्स जो रिवील हुए है उस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और ये फोन का क्या प्राइस होगा, तो यूरोप में बात की जाए तो इसका जो प्राइस है वो इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो करीब करीब 25,400 के अप्रॉक्स माना जा रहा है। तो इंडिया में भी सिमिलर प्राइस हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे इसके प्राइसिंग में हो सकता है, मगर 25,400 जो कन्वर्ट करने के बाद आया यूरोप के लॉन्च के बाद, तो ये है इसके प्राइस के बारे में। तो ये है कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और क्या इसकी रहने वाली है परफॉर्मेंस, वो आने वाली वीडियोस में हम जरूर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक केयर सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।